नमस्कार, जनसारथी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासी हलचल में हम बात करेंगे बयानों की। एमपी में भांडेर विधानसभा क्षेत्र से हाल ही में विधायक बने कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के मुंह काला करने के अपने वादे को पूरा करने के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी रोशनपुरा चौक पहुंचे। यहां पर समर्थकों की नारेबाजी के बीच दिग्विजय सिंह ने फूल सिंह बरैया को प्रतीकात्मक रूप से काला टीका लगाया। वहीं मीडिया से उन्होंने कहा कि फूल सिंह बरैया को नहीं बल्कि बीजेपी को मुंह काला करना चाहिए क्योंकि उसने लोकतंत्र की हत्या की है। फूल सिंह बरैया जी को बधाई देता हूं कि अपने वचन के पक्के रहे। मैंने उनको रोक दिया क्योंकि उनका वचन तो सही निकला। पोस्टल बैलेट में उन्हें तो 50 से कम सीटें मिली जिसमें लीड थी, इसलिए उनको कोई मुंह काला करने की जरूरत नहीं है। मुंह काला करना चाहिए तो भाजपा को, जिस प्रकार से उनके इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है। सियासी हलचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।